हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग हैं अंसर में, जगह का नाम है अंसर और यहाँ पर है काली नाग टेम्पल। ये इस टेम्पल के पास हम लोग हैं, बहुत सुंदर जगह थी। और कुकू उठ गई है सुबह के 9 बजे करीब करीब, और यहाँ पर हमारा डॉन। अरे मैं तो सो रहा है, ये तो उठ गया। चीवी आप तो उठ गए, गुड मॉर्निंग बाबा। राधे राधे, जय माता दी, राधे कृष्णा। ये तो हमारा किचन हो गया ओपन, और किचन के ऊपर है बेड। देखिए भाई, आज हमने इस तरफ सर किया था, काफ़ी अच्छा लगा। तो हम यहाँ कैसे आए, क्या था, जो भी था सब मिलेगा पिछली वीडियो में, देख लेना कैसे कैसे पहुँचे और कौन सी लोकेशन है। तो अभी यहाँ पे कुकू बनाएगी कुछ ब्रेकफास्ट। पहले तो मैं फ्रेश रहूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। ओके। और शिवी गुड मॉर्निंग, गुड टू इंजॉइंग ना, कैंपिंग इंजॉइंग। तो गाइस, आप लोग ऐसा ना करें छोटे बच्चे को कैंपिंग में लेकर के, अगर आपने डॉक्टर से प्रॉपर वो ले रखा है कि हाँ बच्चा ठीक है, मस्त है, हैप्पी हैप्पी है, ऐसा है कैंपिंग के लिए भी, मतलब ट्रैवलिंग करें पहले होटल वाली, फिर आप कभी बीच में ट्राई कर सकते हो कैंपिंग। क्योंकि यार बच्चा कैंपिंग में ना, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए तो फिर एकदम से रात को आप कहाँ जाओगे, तो वो चीज़ें हैं। बाकी हमें तो आदत है यार ऐसे, और घर में भी जितना दूर यहाँ हम कैंपिंग करें, जिन लोकेशंस पे जितने दूर यहाँ से कोई घर या हॉस्पिटल होते हैं ना, उतनी ही दूर हमारे घर से भी होते हैं। तो पहाड़ों में यही होता है, पहाड़ों में आपको पता ही, अब देखो ये पूरे पहाड़ है, इन पहाड़ों में लोगों के घर हैं, तो यहाँ से अगर किसी ने भी जाना है तो उतना ही टाइम लगेगा जितना हमें लगेगा। तो हम ऐसी ही लोकेशंस पर जा रहे हैं जो कि एक्सेसिबल हो, इजी हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कैंपिंग में हमेशा। और यहाँ से यार ना माउंटेन्स दिख रहे हैं बर्फ़ वाले, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यार। ये कहीं रोहतांग पास या उससे पीछे वाले, पता नहीं कौन से हैं, क्योंकि हम ना कुल्लू से भी पीछे हैं, बजौरा भुंतर से भी पीछे, मंडी में हम एक्चुअली। और इधर भी सामने बर्फ़ वाले माउंटेन है, और इधर फुल गांव है भाई, फुल गांव। हम बिल्कुल भी ऐसा सुनसान लोकेशन में बिल्कुल नहीं कर रहे कैंपिंग वगैरह। बाकी अभी तक हमारे साथ सागर भाई थे, और हम चाहते नहीं है कि हम सोलो कहीं ज़्यादा ऐसे इधर उधर दूर की लोकेशंस को करें, तो देखते हैं किसी को ज्वाइन करेंगे फिर से। तो अभी कुकू आ गई है किचन में, और शिवी और मैं बैठे हैं खेल रहे हैं। कुछ खास नहीं बनने वाला क्योंकि रात के चावल बच गए हैं बहुत, वही गर्म करूँगी मैं। और साथ में अगर ब्रेड खाना तो ब्रेड को मैं थोड़ा सा बटर में सेक के दे दूंगी। अच्छा, उल्लू बना रही है मुझे, हाय हाय, गर्मा गर्म चाय पिला दो भाई इस कड़कती धूप। और गाइस, आज मैंने एक प्रण लिया है कि आज के बाद मैं चीनी नहीं खाऊंगा, ये डब्बा खत्म होने के बाद। अब मैं शक्कर लूंगा और चीनी को बोल देंगे बाय बाय, क्योंकि चीनी बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे बच्चों के लिए भी और हमें, हमारे लिए भी। अगर कोई इस बारे में ढंग से जानता हो तो प्लीज़ कमेंट करके समझाएं कि ये सही बोल रहा हूँ मैं या गलत। बहुत बहुत मतलब वीडियोस देख लिए, सुन लिया, ये वो चीनी सही नहीं है, मतलब चीनी जो है स्लो पॉइजन बोलते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग वगैरह है, मतलब अंग्रेज़ों से पहले, बुज़ुर्ग तो नहीं बोल सकते, अंग्रेज़ों से पहले जो है भारत में लोग गुड़ वगैरह ही खाते थे, चीनी का कॉन्सेप्ट और चाय का कॉन्सेप्ट तो लेकर ही अंग्रेज़ आए हैं। और ये हमारे बच्चे हैं चावल, काफ़ी हैं, ये देखो भाई शिवी को छांव कर दिए सर में, ये ना एक्साइटेड हो जाती है एकदम से, पकड़ने लग पड़ी छाते को, इसका मतलब दे दो खेलने को मुझे। बन भी गई इतनी जल्दी चाय? तो यार रात को ना ये तो बहुत अच्छे बन गए थे चावल, लेकिन नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, हल्का सा, और दही लेना हम भूल गए, नहीं तो अभी खाते दही के साथ, है ना, कितना अच्छा लगता सुबह सुबह। तो चाय बना दी कुकू ने, और अदरक वाली चाय बनाई है भाई, मुझे इलायची वाली इतनी ज़्यादा पसंद है भी नहीं वैसे। वाह वाह वाह, ये लग चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, शिवी को भी खिलाओ भाई, और ये अपना लग गया है, बैठते हैं और खाते हैं। दो डॉग्स भी आ गए हैं इधर, तो इनको भी मैंने दे दिया। डॉग्स के लिए हमने ना स्पेशल बिस्किट वगैरह और स्पेशल खाना रखा होता है अलग से, बाकी कुकू खा रही है उधर, और मैं बिस्किट वो वाले जो कम मीठे होते हैं, मारी या नमकीन या कुछ भी। तो यार इधर इन नज़ारों में ना मज़ा अलग है, तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं।
और हमारे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करो। खाने के बाद अब टाइम हो गया है बर्तन धोने का और क्लोजिंग करने का। कुकू धो रही है बर्तन, तो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ अपने सारे बेड वगैरह को, करते हैं क्लोज। हाँ, तो आज फिर से मैं और शिवी निकल गए हैं व्लॉग बनाने। चीबू, तो यहाँ पर ना बहुत प्यारी प्यारी जगह है, पीछे बहुत सुंदर पेड़ है। तो शिवी को घूमने का मजा आता है, बैठ बैठ के थक जाती है जब, फिर मैं इसको घुमाने ले जाता हूँ ऐसे, को इन पेड़ों के साथ ऐसे छेड़ने में बड़ा मजा आता है। पर ये थोड़ा ऊंचा है, देखो ये देखो ऊपर गिलगिली खा। शिवी तू तो सलमान खान बन रहा है अपने आप को, है कपड़े खोल देने, बॉडी दिखानी अपनी, मसल्स मसल दिखाने। व्हाट तेरी भू भू। चलो करो स्टार्ट करो गाड़ी, ड्र, ड्र, गाड़ी स्टार्ट करो। शिवी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तब से बुडर 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 करे जा रही है। अच्छा अच्छा क्या दिख गया अब? इधर कुकू कर रही है पैकिंग। कुकू ने इसके सारे कपड़े धो दिए, पैकिंग तो मैंने सारी कर दी है, बस ये कंबल रखे अब। अरे क्या हुआ, बाहर जाना, चल 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 चलो चलो। कौन कर रहा है भाई छुन छुन, कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है भाई छुन छुन, हाँ गंदे। गाड़ी को पैक करने के बाद मैं और शिवी आ गए हैं मंदिर के दर्शन करने, घूमी घूमी करने। ये रहा मंदिर, और यहाँ से नीचे वाली मेडोज दिखाता हूँ आपको, कितनी सुंदर है। जय हो नाग देवता जी, रक्षा करना हमारी शिवी की। ये देखो ये है कुंड, कुंड बनाया हुआ है यहाँ, बहुत सुंदर है यार जगह। जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बहुत सुंदर लगता है, ये फोटोज़ देखे थे मैंने। क्या भेड़ों को देख के शिवी परेशान, उसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे देख के, कुत्ते भेड़ बकरियाँ इनकी तरफ ऐसे पड़ती है बस गले लगाने को तैयार, लेकिन यार कुत्ते का डर होता है जी। ये तो प्यारे हैं, छुटकू छुटकू घास चर रहे हैं इधर ग्राउंड में। बहुत बहुत सुंदर जगह है यार, मज़ा आ गया मतलब। शिवी ले चले इनको घर, बोलो इसको ले चले। तो यहाँ पर शिवी और कुकू हो रहे हैं रेडी, चोकोबार है और हाँ सर, ये भी है दूसरी, हाँ चोकोबार भी, नहीं नहीं ये ये वाली है, कोई वाली सर पकड़ ले, और भी है देखता हूँ मैं। ये नहीं, ये जो है यहाँ एक वो दूसरी से वो पानी वाली है। अच्छा पानी वाली है, बस बस ठीक है। यहाँ पर ले ली है आइसक्रीम, मैंने नहीं खानी, चलो टेस्ट करता हूँ। अच्छी है, पकड़ लो भाई जी। ठीक है, शिव देख रहा है कि मम्मा अकेले अकेले खा रही है, मेरे को दे रही है इसको, मैं नीचे वाला दे रही हूँ ना, मत दे इसको। शिवी को नहीं खिलाएंगे ऐसी आइसक्रीम वगैरह। ये भाई देखो कितने गांव में आया हुआ है, इतने दूर से पता नहीं बस बस में आया होगा बेचारा यहाँ तक, फिर यहाँ गाँव में बेच रहा आइसक्रीम। चलो हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, फुल पैक करते हैं। तो सारी पैकिंग हो चुकी है और तैयार भी हो चुके हैं सब, अब जा रहे हैं हम अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और ड्राइविंग कौन करेगा आज, क्या ड्राइविंग कौन करेगा? शिवी, ये देखिए जी चले। हम दोनों पैकिंग कर रहे थे तो शिवी यहाँ पे बैठ गया। ओह क्या कर रहे तू, इतनी जोर से इतनी एक्साइटमेंट से काटा इसने ना। शिवी मैं पीछे बैठ जाऊं, आप चला लोगे ना? शिवी वो गिरा दिया उसने उसके। चलो चले फिर। तो यार हमने इधर पूरा साफ कर दिया क्योंकि मंदिर का एरिया था, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, बल्कि जो ये गिरे हुए थे फूल से ये भी जला दिए हैट के साथ। तो भाई बड़े क्यूट लग रहे हो आप, हाँ नजर लग जाएगी, छोड़ो। तो आ रही है अपनी गाड़ी और मुझे भेज दिया गया है आगे, क्योंकि मुझे करना है गाइड कि गाड़ी सही आ रही है नहीं। आ जाओ 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 आ जाओ, आप अपनी साइड देखो बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप अपनी साइड देखना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके
तो चलिए बैठते हम अपनी गाड़ी में। चलो शिवी, चलो कशोल, आर यू रेडी कशोल? जाना कशोल जाना। तो आज हम लोग जा रहे हैं मणिकरण। तो यार मेरे एक मन में इच्छा थी कि शिवी को ले जाके वहाँ पर नहाई कराएंगे, गर्म पानी में नहलाएंगे, मणिकरण ले जाएंगे, दर्शन करवाएंगे। तो आज यहाँ से निकल रहे हैं मणिकरण के लिए, है ना? चले चलो। अच्छा तो मणिकरण में कैंप लोकेशन पता नहीं मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो देखेंगे वहाँ पहुँच कर ही। अगर नहीं मिल पाई तो वहाँ पर रुकने के ऑप्शन तो बहुत हैं, गुरुद्वारा है, राम मंदिर है और साथ में होटल्स वगैरह भी हैं। और इसे टोपू खोल रही है, ऐड को पसंद नहीं है। तो देखते हैं, कोशिश पूरी करेंगे कैंप करने की, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको पता ही है डे कैंपिंग हमारी हो भी गई है और अकेले उस एरिया में शायद हम सेफ भी नहीं होंगे कहीं कैंप करना रिवर साइड या इधर उधर, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है किस तरह का क्राउड रहता है कसोल वगैरह में। तो देखते हैं, सेफ जगह मिली तो ठीक है, या किसी की कैंप साइट के मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में मिलेगा तो भी अच्छा होगा। बाकी यार अभी के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, तो टाटा बाय बाय। हाँ बाय बाय, और आएंगे हम नेक्स्ट टाइम जरूर। बहुत अच्छी जगह थी, मज़ा आया और पवित्र धार्मिक जगह है ये। प्यारा सा गांव था इधर, इसी गांव में हम लोग रुके हुए थे। गांव का नाम है अंसर और रोड यहां से लगभग 3 किलोमीटर तक ऐसा है ख़राब, उसके बाद जो है मस्त रोड है, पतला है लेकिन साफ रोड है। हाँ बिल्कुल साफ रोड है, मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। हम पहुंच गए सीधा इस चौराहे पे, यहां से लेंगे मणिकरण की तरफ रोड। चलो भाई, वाह, अरे चल पड़ भैया, थैंक यू ब्रो। एक गाड़ी थी, रुका रहा बेचारा। वैसे ऐसे चौराहे पे ना मैक्सिमम लोग सोचते हैं मैं घुस जाऊँ बस। तो ये हमने ले लिया मणिकरण का रोड, यहाँ से है 31 किलोमीटर। तो अभी हम रुक चुके हैं रास्ते में लंच करने के लिए, बहुत जोरों की भूख लगी थी। और कि मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए भाई क्या ही प्यारा व्यू है। और नीचे सेब के बगीचे और सेब में लगे हुए हैं सफेद सफेद फूल, छोटे छोटे, कितने प्यारे लग रहे हैं। काश यहाँ कैंप करने को मिल जाता। वही बैठे, हवा बहुत है। कैसा खाना? अच्छा है। अच्छा है। चिवी क्या खा रहे हो? आई 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 आई, खाना खा के बढ़ गया आगे मणिकरण की तरफ। तो ठीक ठाक था लेकिन वही भयंकर मसाले वाला टेस्ट कहीं का कहीं बना दिया होता इन्होंने। तो ऐसे ट्रैवल करना हो ना अगर कि सिर्फ होटल पे डिपेंड रहना हो तो भाई बहुत मुश्किल है बच्चे के साथ। क्यों, सिर्फ दाल थी सादी? वो ज़्यादा ही सादी थी कुछ। चलो कोई बात नहीं, हम तो कभी कभार खाते हैं बाहर तो चलता है इतना। तो हम पहुंच गए कसोल से थोड़ा पीछे और यहाँ पे क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, वाह देखकर ही मज़ा आ जाता है। और शिवी है फुल मस्ती में, ता 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 भागने की कोशिश कर रही है। मज़ेदार लोकेशन है यार ये। तो इस रिवर में भी पिछले साल बहुत तगड़ी तबाही आई थी, रोड के तो हालत ख़राब है, कहीं से ज़मीन खिसकी हुई है, कहीं से क्या है, मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दुखी हो गया मैं ड्राइव कर करके। फाइनली वी रीच कसोल, बस रुकी है भाई चलते हैं। ये है भाई कसोल, अरे भाई हट जाओ। एक तो यार यहाँ पर लोग हटते ही नहीं है रास्ते से। तो यार अब तो ना यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह है और ना घूमने लायक कुछ बचा है, मुझे लगता है ख़राब, पूरा सिस्टम ही ख़राब है। इतनी गाड़ियाँ हैं कि रोड में लगा दिए, देखो रोड में लगवा दिए एक साइड। इधर वैसे पार्क सा था, हमने सोचा था जाएंगे लेकिन भाई मुश्किल है जाना, बाइकर बाइकर बाइकर। अब निकले कसोल से आगे थोड़ा शांत एरिया में, और जैसे ही ऐसा ट्रैफिक और ये बुरे हाल देखते हैं ना तो लगता है यार अच्छा है हम कैंपिंग करते हैं, है ना। हाँ। कितना भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं बिल्कुल साइड में, जिस एरिया में कम भीड़ है, या बल्कि हम तो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ टूरिस्ट भी ना हो,
लेकिन यार यहाँ तो कसौल में तो बुरा हाल था, अब देखते हैं मणिकरण में क्या होगा हमारा। बाकी ये नीचे नदी, ये देखिए उधर उस तरफ सारी कैंप साइट्स वगैरह थी, सारी बहुत सारी मतलब नुकसान हुआ है तगड़ा, सारी कैंप साइट नदी के साथ ही बह गई है। वो देखो क्या हाल हो गया इधर, कितनी छोटी सी नदी थी, उस तरफ से एक नदी आती है ऊपर से, नदी तो क्या छोटा नाला था, उस तरफ से आया लैंडस्लाइड, पूरा दलदल आया और सारा कुछ लेके इधर पहुंच गया। लोग इतने फास्ट हैं, उसी मलबे के ऊपर दोबारा कैंप साइट्स बन गई हैं। शिवी बैठी है गोदी में और फुल मजे ले रही है इधर बालकनी में। ए वो गुटलू, उसके मामू ने दिलाई भी पर्सनल बालकनी। सामने बह रही है पार्वती रिवर, बहुत सुंदर नजारा है भाई, मजा आ गया। तो शिवी जो उड़ान भरने के लिए तैयार है। वो थूक दे, बाप रे, जैसे कैमरा ऑन होता ना फिर। मुझे सब पता है तुम मेरी वीडियो बना रहे हो। बनाने को मेरे को पूछो, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बोलो बंद कर, मेरी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। ओ बाप रे, मेरे पास आते ही शिविर खुश हो गए। मम्मा गंदी मम्मा, पापा अच्छा, कट 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 खा ले। तो गाइस देखिए ट्रैवलिंग में, ऐ देखो बोल रहा हूँ मैं, ट्रैवलिंग में बच्चे फोन से दूर रहते हैं, हर चीज से दूर रहते हैं और नई नई चीजें देखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, है ना शिवी, है ना। मस्ती कर रही है, फुल ए व्यू के नज़ारे ले रही है। तो यार हम इसको ऐसा ही बनाएंगे, इसको पूरा नेचर दिखाएंगे, नेचर में रखेंगे, नेचर के साथ घुल मिल के रहे। तो हम लोगों ने कर लिया है चेक इन एक होटल में जो कि अपने जान पहचान के ही है, तो यहाँ पर बैठे हैं, यहीं से आपको व्यू दिखाया अभी बाहर का, और अभी यहाँ बैठे हैं शिवी के साथ, क्योंकि इस रास्ते में हमें कोई भी कैंप लोकेशन मिल नहीं पाए, तो इसलिए आज हमने रूम ले लिया और कल देखते हैं अब कैंपिंग का। बाकी अभी नहा धो के मंदिर वगैरह घूमेंगे, सारा बाजार घूमेंगे। वैसे भी मणिकरण एक्सप्लोर करना हो ना तो कैंपिंग करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो फिर कैंपिंग लोकेशन आसपास है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा एक दिन रुकते हैं, रेस्ट हो जाएगा और नहाना हो जाएगा। मेन सबसे मेन था कि शिवी को यहाँ पर नहाना है एक पूल टाइप में, तो यहाँ होटल का है पूल, देखते हैं उसमें पानी है या नहीं अभी, क्योंकि आजकल गर्मी है तो इसलिए पानी रखते नहीं है उसमें, क्योंकि कोई नहाता नहीं है गर्म पानी में। बाकी खेल रही है शिवी तो अभी। शिवी आर यू रेडी, तो नहा धो के हो गए हैं रेडी और चलते हैं अब दर्शन करके आते हैं गुरुद्वारा साहिब और मंदिर के, राम मंदिर शिव मंदिर घूम के आते हैं। शिवी मैं और शिवी को साइड होता है, मैं और शिवी घूम रहे हैं मणिकरण पुल के ऊपर, है ना। हाँ यार मस्त नज़ारे हैं। ओ भाई इवनिंग टाइम है, बढ़िया लग रहा है, टाइम में मजा आता घूमने का। हाँ अच्छा लगता है। हाँ देखो ये देखो, आगे हैं राम मंदिर के पास, इधर कुछ काम चल रहा है गेट का और वहाँ पे कुछ आंटियाँ डांस कर रही हैं, पहाड़ी डांस, गाना भी खुद ही गा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। फंक्शन है यहाँ कुछ, है ना। कुछ भगवान का ही गाना है ना, बड़ा स्लो है। ये है नैना माता जी का मंदिर, तो यहाँ पर शायद कुछ पूजा वगैरह होगी तो इसलिए गा रहे हैं ये, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं सब ड्रेस में। हाँ देखो कैसी ड्रेसेस है।
अब आ चुके हैं हम रघुनाथ जी के टेंपल, जो कि बंद है लेकिन बाहर से देख सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, देखो कितना मस्त बना हुआ है। अब हम जा रहे हैं आगे, अभी हम हैं शिव मंदिर में, शिव मंदिर से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। चलो तो अभी हम आ गए हैं पुल के पास, यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं इधर उधर, और अब चलिए फोटो शूट कर लेते हैं शिवी और शिवी के पापा का। गुड मॉर्निंग जी, देखिए सुबह सुबह के नज़ारे। कल तो आप लोग सोच रहे होंगे इवनिंग से सीधा मॉर्निंग होगी, तो यार रात को ना वीडियो बनाना ही भूल गया, और अभी हो गई सुबह, ऊपर से भी सो रहे हैं। तो इस वीडियो करते हैं अब यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।